हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे सिक्स में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था। आज के क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कोई भी परसेंटेज हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग इन चीज़ों का जरूर ध्यान देखें जिन चीज़ों से हमारे क्वेश्चन शॉर्ट हो सकती हैं। अगर हमारा कोई भी चीज़ परसेंटेज में दिए हुए है और उसी से हमको फिर परसेंटेज ही पूछा है, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि जो ओरिजिनल डाटा रहता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आप लोग इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको समझ पाएं और जो बेसिक है उसको भी समझ पाएं। हम लोग पहले बेसिक की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, सम स्टूडेंट प्रिपेयर मेन वैलेट्स मेन्स वैलेट एज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर उन लोगों ने पुरुष पर्स बनाए। दे स्पेंड 442 ऑन लेदर, $442 उन लोगों ने लेदर पे खर्च किया, $367 ऑन थ्रेड, $87 ऑन निडेल एंड $46 ऑन मिसलेनियस आइटम, इतना उन लोगों ने खर्च किया। तो यहाँ पे लिटरली आप लोग सबसे पहले ये निकालोगे, फोर टोटल कॉस्ट 442 प्लस 367 और प्लस 87 और प्लस 46। जब मैंने इसे जोड़ा तो जोड़ने के बाद हमारा कुछ ना कुछ डाटा आएगा, जो जो भी आएगा डाटा, उस डाटा को मैंने कितना मान लिया, लेट मान लिया उसको 100। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे 100 मान के ही बनाओ। इसे डायरेक्ट भी अगर मैं इसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्वेश्चन में हमें मतलब सिर्फ यहाँ के बाद से है, इसके बाद से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन। उसके पहले तो ऐसे ही हमको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। हम लोग समझेंगे यहां से कैसे बनाना है, पहले इसका बेसिक समझिएगा। टोटल कॉस्ट हमारा कितना निकल गया, मैंने एज्यूम कर लिया 100, कितना निकल गया 100। 100 या तो आप 30 वॉलेट का भी मान सकते हो या फिर एक वॉलेट का भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे हमारा आंसर वही का वही आएगा। मैंने क्या बोला कि परसेंटेज से हमें कहाँ पे जाना है, परसेंटेज पे ही जब जाना है। रॉ डाटा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब सिर्फ किससे होता है, हमारे परसेंटेज जो दिए हुए हैं उनसे मतलब होता है। चलिए समझते हैं। मैंने जोड़ लिया हमारा टोटल कॉस्ट कितना जोड़ लिया, हमने 100 जोड़ लिया। जब 100 हमने टोटल कॉस्ट जोड़ लिया तो इस तरीके से हमने क्या बोला, 100 मैंने जोड़ लिया, ये 100 जो है ये टोटल जो है 30 वॉलेट का है। कितने वॉलेट्स का है, 30 वॉलेट्स का है। अब हमसे क्या बोला क्वेश्चन में आगे कि 50% ऑफ विच वेयर परचेज्ड बाई फोर्स बाई सम ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स। 50% जो है उसके, 50% यानी कि 30 का ही ना 50%, तो जब 50% इसका निकालिएगा, 30 का 50% हमें कितना दे देगा, 15 दे देगा। यानी कि 15 पर्स को उन लोगों ने, सीनियर स्टूडेंट्स ने उनसे जबरदस्ती खरीद लिया और जिसमें उन लोगों को क्या हो गया, 50% का लॉस हो गया। जो जब 30 पर्स का दाम हमारा 100 है तो 15 पर्स का हमारा दाम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या, और 50 पे उन लोगों को क्या हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। यानी कि हम, मैंने क्या लिख दिया, 50% का लॉस, यानी क्या हो जाता है, 50/100। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा, हमारा इनिशियल कॉस्ट 100 था जिसमें से कि ₹50 का सामान मैंने 50% लॉस पे बेच दिया, अब हमारे पास ₹50 का ही सामान बचा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड दे सेल द रिमेनिंग वॉलेट, रिमेनिंग वॉलेट को ₹50 के सामान को वो कितना परसेंट पे बेचे, मैंने बोल दिया X% पे बेचे, सो एज टू गेन 50% ऑन देयर टोटल कॉस्ट। 50% उसको प्रॉफिट हो टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट हमारा कितना था, 100 था, 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100, 100 से 100 यहाँ चला गया। मैंने जब यहाँ से सॉल्व किया, 50 से कितना बार में, दो बार में, दो से ये कितना बार में, 25 बार में, 25 को उधर ले जाके घटा देते हैं और यहाँ से ये भी कट जा रहा है, 50 से हमारा कितना बार में, दो बार में, X/2। यहाँ से जब मैंने इसे 25 को इधर ले जाके घटा दिया तो ये मुझे दे देगा 150 माइनस में कितना, 25, जो कि हमें दे देता है 125। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 250, ये तो परसेंट आया ना। अब जब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस कर दूंगा मैं, तो 250 में जब मैंने 100 माइनस कर दिया यानी कि ये मुझे दे दिया 150%, और इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 150%, और यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया, मुझे इनसे कोई मतलब पड़ा क्या, यहाँ से 442, 367, 87, 46, या फिर मुझे इस पार्ट, बहुत लोगों ने मुझे इस तरीके से भी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का बताया था कि सर यहाँ पे मैं ये 30 को, अगर ये टोटल कॉस्ट मेरा जो भी आ रहा है उस, वो मैं एक का मानूं या फिर टोटल 30 का मानूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टोटल कॉस्ट किसी भी तरीके से निकालोगे आपका यही आने वाला है। यहाँ पे आप जोड़ के जो भी लाओगे उसका ही वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो भी वही यही आने वाला है, और जो भी करोगे आप इस तरीके से आपका लिटरली जो वैल्यू आएगा, वैल्यू में कोई चेंज आपका नहीं होने वाला है। आप इस चीज को समझो यहाँ पे।
अगर मैं वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जब मैंने इसे जोड़ा तो यही जोड़ने के बाद मुझे 942 देगा। कितना देगा हमारा 942? चलिए वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। 942 जब दिया तो क्या बोला, 50% जो है, तो 50% यानी कि 942 तो हमारा टोटल खर्च था। 942 जब खर्च हो गया टोटल हमारा, तो 50% आर्टिकल का खर्च हमारा कितना हो जाएगा, 471 होगा। 471 पे उन लोगों को क्या हो रहा था, 50% का लॉस हो रहा था। लिख दिया मैंने 50% का लॉस। फिर रेस्ट हमारा आर्टिकल कितना बचा, कितना का आर्टिकल बचा, 471 का ही बचा। उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट मान लिया मैंने, एक्स परसेंट का। और इस तरीके से हमारा टोटल जो था, टोटल हमारा कितना था, 942 था। इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है, अब यहां से देख रहे हो 471 471, इससे काट दिया मैंने दो बार में, यहां से 100 100 और 100 खत्म हो गया। हमारे पास लिटरली यहां पे बचा कितना, 50 बचा। यहां पे x बचा इज इक्वल टू यहां 150 इंटू, जब मैं 2 करूंगा तो ये मुझे कितना दे देगा, 300 दे देगा। x का मान मुझे यहां से कितना निकल गया, 250 निकल गया। फिर वही चीज, परसेंटेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट की निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 में यहां से माइनस कर देना होगा। इस तरीके से हमारा परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150% होगा। अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं तो जब आप यहाँ, अगर ये मैं 100 क्यों कर रहा हूँ इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको आप लिटरली इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब आप प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो 100+20 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिटरली 100+x होगा ना। तो लिटरली मुझे क्या निकालना है, 100+x यहाँ पे जब मैं करूंगा तो ये 100 आके इधर जाके घटेगा भी, तो यानी कि एग्जैक्ट परसेंटेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, 150% निकलेगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो इस तरीके से है, उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे जो मैंने बोला था अभी आपको क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्ट में यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है, ठीक है। उसके पहले दिए हुए डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, परसेंटेज से हमको अगर परसेंटेज निकालना है तो ओरिजिनल डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे मतलब किससे होता है, रॉ डाटा से मतलब होता है। और इसमें हमको रॉ डाटा से का कोई जरूरत, रॉ डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मुझे मतलब किससे है, सिर्फ परसेंटेज वाले डाटा से मतलब है। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन में, 50% ऑफ विच वेयर परचेज, मतलब टोटल 100% होगा जिसमें से 50% खरीदा होगा, वो 50% फोर्सफुली खरीदा होगा। जब मैं 50% को लिख रहा हूँ तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टोटल आर्टिकल जो था हमारे पास वो था हमारा 2, जिसमें से कि फोर्सफुली जो खरीदा गया था, फोर्स से खरीदा गया था, कितना आर्टिकल, 1। तो आर्टिकल बचा हमारे पास कितना, एक ही ना आर्टिकल बचा, तभी ना ये एक एक जोड़ के हमारा कितना दे देगा, टोटल आर्टिकल 2। अब क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल पे उन लोगों को कितने परसेंट का लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ। यहाँ पे लिख दिया मैंने -50%। एक आर्टिकल पे कितना हुआ, 50%, यानी कि टोटल लॉस कितना हो गया, 50% का हो गया क्या। फिर आगे बोल रहा है कि बचे हुए एक आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, कि पूरा आर्टिकल, पूरा आर्टिकल कितना, 2 आर्टिकल पे उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस में 50% यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस में जब मैंने 50% लिखा तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100। ये 2 कैसे लाया मैं, यहाँ से यहाँ इन दोनों को जोड़ के लाया, तो यहाँ पे मैं लिटरली क्या जोड़ूँ कि ये हमारा प्लस में 100 दे देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया x जोड़ना है, यहाँ पे मुझे क्या बेचना है, प्रॉफिट पे बेचना है, इसलिए यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगा दे रहा हूँ। प्लस का सब सिंबल लगा दिया तो -50 प्लस में x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 100। x का मान यहाँ से कितना निकल गया, 150 निकल गया। x भी हमारा क्या है, परसेंट में, यानी कि 150%। यहाँ जब हमारा 150% आया तो क्लियर है कि यहाँ पे मैं 150 ही ना मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 150 देगा। 1 में 150 ही ना मल्टीप्लाई करूंगा। अगर कुछ और नंबर देता, जैसे यहाँ पे अगर 2 रहता, 2 यहाँ पे गुना में रहता, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा 300 आता, तब मैं यहाँ पे भागा देता और यहाँ पे हमारा आ जाता 150, और फाइनल आंसर जो है हमारा ये देता है। इसलिए इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर जो हो गया 150% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिटरली मैंने 3 लाइन लिया और तीनों में कोई कैलकुलेशन, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 442, 367, 87, 87, 46 मिसलेनियस आइटम में क्या खर्चा किया, क्या नहीं खर्चा किया, कितना वॉलेट बनाया, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे ध्यान किस चीज़ पे देना था कि जब हमारा परसेंटेज दिए हुए है और उस परसेंटेज से हमें कहाँ पे आना है, परसेंटेज पे ही आना है। फाइनल आंसर जो है हमको परसेंटेज में ही देना है, परसेंटेज से ही निकाल के। तो लिटरली हमें रॉ डाटा से, जो ये रॉ डाटा है हमारा $442, $367, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारा मतलब सिर्फ किससे रहता है, ये 50% से मतलब है, ये 50%
से मतलब है और ये 50% से मतलब है, बस इसी से मतलब है हमारा और किसी से कोई मतलब नहीं। ये जो मैंने 50% लिखा है, ये यहाँ वाला 50% लिखा है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि ये लॉस वाला मैंने लिखा है कि गेन वाला लिखा है। ये मैंने क्वांटिटी वाला 50% लिखा है, ये टू हमारा जो ओरिजिनल डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है टोटल आर्टिकल। एक आर्टिकल जो है फोर्सफुली खरीदा गया है, तो टोटल आर्टिकल में फोर्सफुली आर्टिकल घटा दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना निकल गया, लेफ्ट आर्टिकल निकल गया। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, 150%। होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं ज़रूर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।